got me jumping like boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. मैंने आज शेडर्स ऑन करे हैं और थोड़े बहुत प्रोडक्ट हैं तो लिटल बिट लैगी हो सकता है. आपने भी नीचे ये देखें, ये चेस देखें, चेस तो कुछ थोड़ा बहुत लैगी हो सकता है ये गेम, तो कोई मसला नहीं है, इतना भी लैगी नहीं है मगर सही है. तो ये मैंने चेस का भी ऑन करा हुआ है, लाइट इतनी नहीं है और है कम. यार गेम बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है तो मैं शेडर्स बंद कर आया, तो आपसे मैं शेडर्स बंद करके मिलता हूँ. तो गाइस शेडर्स हमने बंद कर दिए मगर ये चेस्ट वाला हमने बंद नहीं करा. तो ये चेस्ट जो है ये विलेजर बने हैं और एंडर चेस्ट तो वो बना हुआ है पिलेजर है. तो ये देखें इनके दांत भी हैं. आज का है हमारा गोल कि हम जाके कहीं से लावा वगैरह ढूंढने. तो हम अपनी बकेट ले लेते हैं, अपनी एक बकेट रख देते हैं, हमारे पास बहुत सारे आयरन है तो हम जाके दो बकेट बना लेंगे. कहाँ गया हमारा आयरन? तो गाइस अगर पीछे आपको शोर आ रहा होगा तो सॉरी, हमारे घर के नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. तो हम बना ले दो बकेट. ये हमारी गली के बच्चे थोड़े अजीब से हैं जो चिल्लाते रहते हैं हर वक्त, तो कोई बात नहीं. अभी हम चलते हैं, शॉर्ट वगैरह तो ले ले कुछ, कोई मॉप वगैरह देखे दो उसकी धुलाई वुलाई कर सके. हम अपनी एक याली शॉट ले लेंगे, ये टॉर्चेज यहाँ रख लेंगे और अपने पास आयरन बहुत है तो एक आयरन की भी ले लेंगे क्योंकि बाद में यूज़ हो सकता है इसका. और माइन वगैरह में कुछ मिला तो उसके लिए और अपना लेदर का आर्मर ले लेंगे क्योंकि लेदर आर्मर सपना बेस्ट है. तो गाइस हम लोग अपनी शील्ड भी इक्विप कर लेंगे और बकेट को रख देंगे संभाल के अपने सबसे कॉर्नर वाली स्लॉट पे. हम ज़्यादा कुछ लेकर नहीं जा रहे, हमें बस अपने डिफेंस करना है. डॉगीज को हम बाद में लेकर जाएंगे. तो आज हम लोग, आज एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो उस सरप्राइज़ को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. तो अभी चलते हैं, ये इसको यहीं रख दो और ये भी यहीं रख दो. नहीं पहले इनकी ब्रीडिंग करा देते हैं ना, मेरे को बहुत सारा लेदर चाहिए बुकशेल्फ बनाने के लिए. तो यहाँ कहीं इसको खिला दें छोटू को, हो गया बड़ा. तो मेरे को बहुत सारे लेदर चाहिए तो एक काम करता हूँ, अंदर चलता हूँ. और ये मॉब ड्रॉप वाला चेस्ट मेरा आई थिंक ये रहा, यस. तो मैं अपनी स्ट्रिंग यहाँ रख देता हूँ और अभी चलते हैं हम कहाँ पे. डे टाइम में किस पैटर्न ने मेरे पर अटैक करा? मैं शवल लेने ही जा रहा था. ये पेड़ मैं इसको क्लियर कर लूँगा बाद में, अभी नहीं क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो ऊपर है हमारा सारा सामान और मेरे को चाहिए, मैं भी जाके एक और स्टोन की शवल बना लूँगा. मेरे को ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसी को ही रखूँगा अपना मेन सिस्टम अभी तो ऊपर नीचे जाने का.
इस चेस्ट के अंदर अपनी स्टिक्स थी, तो मेरे को एक और शवल चाहिए होगी और मेरे को बस एक कोबलस्टोन चाहिए। एक एक आई सेड वन, यस। तो एक कोबलस्टोन अपने लिए काफ़ी होगा एक शवल के लिए, तो एक शवल बन गई। और तो अभी और ये स्टिक वापस आ गए थे चेस्ट के अंदर, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ेगी। तो आज अभी हम केव में जाने से पहले सबकी खुदाई करेंगे और यहाँ पे शीप वगैरह सबके लिए अलग अलग बनाएंगे। तो एक को मार देते हैं, शुक्र है विलेजर जैसे नहीं है कि उन्होंने देखा तो अपना आउट कर लेंगे ना। तो अपना शुगर केन इस वाले चेस्ट के अंदर है और पेपर भी तो था, मेरे को याद है पेपर 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 बहुत सारा था, मैंने पेपर रख दिया था। पेपर इस चेस्ट के अंदर था, तो पेपर नहीं था, पेपर आई थिंक मैंने सारा ख़त्म कर दिया था। दो बुक बन गई और लेदर है मेरे पास नहीं, एक और बुक बन जाएगी। और इस बुक को मैं, एक बुक यहाँ पर है, यह बुक यहाँ रखो, और मेरे को एक बुक रखनी पड़ेगी संभाल के। एक बुक मैं जाके ऊपर रख दूँगा उसके लिए, इंटेंटिंग टेबल के लिए। तो ये रखेंगे एक बुक हम स्पेशल सामान के साथ। और एक है, देख लूँ मैं एक बार, कहीं मेरे पास ना लेदर लेदर लेदर। आज हम लेदर भी बहुत सारा इकट्ठा करेंगे और बाकी की ये बुक हम इधर डाल देंगे। और सारे शुगर केन का पेपर बना लेते हैं ना। और मैं अपने कोऑर्डिनेट्स की स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो मैं अपने कोऑर्डिनेट्स का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट सेव। तो अगर हम दूर चले आते हैं अपने घर से तो वापस आ सकें। तो मेरे को वीट चाहिए, और इसमें हे बेल है ना। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इस हे बेल का वो बना देता हूँ, मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल में भी तो कर सकता हूँ घर में, यानी क्या ज़रूरत। तो हमारे पास 19 हो गया, तो हम उस छुटकू को बड़ा कर देते हैं। और आई थिंक मेरे पास बोन नहीं है मेरे पास बोन, तो हमें इसे मारना पड़ेगा क्योंकि हमारे एनिमल्स को मारता रहता है। बस एक्सपी चाहिए हमें दबा के छुटकू को बड़ा करना है, फिर बड़े को मार देना। तो हम लोग एक और बुक बना रखते हैं जिससे हम एक और क्राफ्टिंग को बुक शेल बना रखते हैं। तो आई थिंक अभी हम लोग ऐसी प्रोसेस करते रहेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को रैंडम टेक स्पीड अब बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है ये प्रोसेस। और अपने पास कोई विलेजर वगैरह भी स्पॉन नहीं हो रहा, तो मैं वुड ले लेता हूँ यहाँ से। और बाकी की बुक शेल्स मैंने कहा रखी थी, बुक सही में तो बाकी की बुक्स हमने यहाँ रखी थी। और एक बुक शेल्फ और बन गई हमारी, तो हमने ये बुक शेल्फ बीच में डाल दी। तो हमारी चार बुक शेल्फ हो गए ऑलमोस्ट, ऐसे हो जाएगा ना, एक दो तीन चार। डॉगी हम बाद में आके तुम्हें लेकर जाएंगे। और ये मैं पेपर इतना सारा कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मर जाऊँगा तो मुश्किल हो जाएगा। और ये सारा पेपर बीच में डाल दो और ये खाना कुक कर दो, और इसमें से थोड़ा खाना ले जाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग अभी फुल जंगली हुए हैं, तो कोई बात नहीं, चीड़ नहीं मिले। अभी हम फिर से एक काऊ को बड़ा करेंगे, फिर उसको मारेंगे, ऐसे करके हम लोग प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। तो अभी रात हो रही है, तो घर में चलते हैं, सो जाते हैं। मैं एक काम के लिए जाता हूँ, फिर दूसरे काम की वजह से भटक जाता हूँ। तो एक काम करते हैं, अभी हम सो जाते हैं अपने खुले खुले घर में। अभी हम यहाँ पर ट्रैप डोर्स लगा देंगे, ताकि हम जब चाहें जब इसको बंद कर सकें, खोल सकते हैं। और अभी हम चलते हैं, और अभी हम खाना हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं,
हमें एक और को बड़ा करके एक और मार के बस बस आखिरी वाला है, आखिरी कहें छोटू कहें छोटू। सारा खा गया, अब बड़ा नहीं हुआ ना इसकी धुलाई हो जाएगी। एक और कुत्ता आ गया, देख यहाँ का मसला ये है यहाँ पे कुत्ते बहुत ज़्यादा स्पॉन हो जाते हैं। तो मेरे पास दो हैं, मैं उनकी ब्रीडिंग करा के चौथा भी कर सकता हूँ। ये मसला है उन कुत्तों का यही है, ये देखो यहाँ पे मैंने देखा था शीप का मीट, ये देखो ये मारते हैं तो मेरे को लेदर नहीं मिलता ना, तो मैं खाना जमा कर लूँ थोड़ा सा अपने लिए, क्योंकि हमें खानी ही पड़ी और मेरे पास मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं तो मैं बोर्ड भी लिया था। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा खाना पीना और बिल्डिंग ब्लॉक्स लेके चलते हैं और एक्सप्लोर कर कर आते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक की जरूरत क्या है, उधर से ले लेंगे हम लोग, चलिए थोड़ा कर आते हैं आसपास उन पत्थरों वो एक्सप्लोर कर कर आएंगे। आई थिंक मेरा खाना बन गया तो ये भी इधर चढ़ा दूँ। थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा खाना लेकर देंगे हम। ओ भाई साहब ये कौन आ गए, तो दरवाजे खोल सकते हैं तभी मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मेरे को चाहिए कॉबल स्टोन, तो मैं अपनी प्रेशर प्लेट तोड़ देता हूँ और फिर घर की छत से इनको स्नैप करूँगा, वरना ये लोग तो अंदर आ जाएंगे। ये बात नहीं है मैं इनसे डरता हूँ, मगर ये थोड़ा ख़तरनाक है और मैं अपने कुत्तों को भी जान मतलब कुछ कर सकता, तो घर की छत पे चलते हैं और अपना सामान रखते हैं ताकि अगर मरे तो कुछ होना। अब पता है मेरे को मैं गलत गलत जगहों पे सामान रख रहा हूँ, और मेरे को ये चाहिए और मेरे को मेरे एरोज चाहिए, सारे एरोज हैं, और मैं एक और ये अपना टूटा हुआ बो ले लेता हूँ। हेलो आई थिंक एरो नीचे हैं मेरे पास, मॉब बॉक्स में शायद मैं एरो नहीं है मेरे पास, तो अपनी घर की छत पे चलते हैं और ऊपर से इनको स्नैप करेंगे। अच्छा एरो नहीं है, एरो नहीं आपके पास, आपने नीचे कैफ में छोड़ दिया था नीचे एरो। ओ यार मैं फिर एरो फूल आया, ये लोग चले गए या आज की तो हमारी उसमें छोड़े एरो नहीं नीचे वाली, हाँ ये है ना एरो। आज का लगता है हमारा दिन ही ख़राब है और मैं अपनी पिकेक्स रख लेता हूँ, मेंडिंग वाली नहीं रखूँगा, मेरे को पता है जावा पीसी में खेलना आसान है। कांगर तेरे को नीचे नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे गए कहाँ ये लोग, आज की एपिसोड ही अपनी ख़राब थी तो मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, यहाँ नहीं बीच में थोड़ा आप प्लेयरिंग करते हैं। किधर गए ये लोग, नीचे देखो और नीचे उनके बाजू नहीं, मेरी बोट में भी कोई नहीं बैठा, और चलते हैं देख कर आते हैं ये कहाँ हैं। पूरा सामान रख के चलेंगे, कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। कुछ भी नहीं लेकर चलेंगे, बस देख कर रहेंगे और इनको लूअर करेंगे, क्योंकि अपना रिस्पॉन्स पॉइंट या सेट है ना, चेक कर लूँ एक बार अपना रिस्पॉन्स पॉइंट यहाँ सेट हो गया, और ये सब रख दो इधर। मैं नहीं चाहता कि मेरा कुछ भी लूज हो, मैं थोड़ा खाना ले लेता हूँ, ये खाने की कमी मेरे को लग रहा होगी, और मैं अपनी अपना आर्मर भी अनइक्विप कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता ये पूरा जाए। तो हम ये सब इसमें डाल देंगे, चड्डी भी टोपी भी, और थोड़ा सा खाना खा लेंगे क्योंकि हमारा बंदा भूखा है।
पेट से ही फुल हो गया भैया, हमारा फुल हो गया पेट और हम चलते हैं। ये लेवल हमारे पास लेवल दें उसकी खैर नहीं, हम एक आयरन की शॉर्ट नहीं एक स्टोन की शॉर्ट ले जाते हैं और एक आयरन की शॉर्ट ले जाते हैं क्योंकि अपने आयरन बहुत है, मैं नहीं चाहता आयरन की शॉर्ट वेस्ट करना, तो एक काम करता हूँ मैं नीचे जाके एक वुड एक और शॉर्ट बना ही लेता हूँ और फिर जाता हूँ। कहाँ हैं स्टिक्स? बस स्टिक्स तो बहुत हैं और कॉबल स्टोन चाहिए मेरे को। एक बना ली और ये बाकी का कॉबल स्टोन इसमें डालो। शुक्र है उन्हें पता नहीं चला कि मैं हूँ वरना तो मेरी धजिया उड़ा देते। वो लोग अपना बुल भी लाए थे। बुल था उमर? हाँ, और उनका बैनर वाला भी आया था। बैनर वाला भी है तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे रेड पड़े क्योंकि यहाँ पास वो जो जादू करते ना वो भी था। तो मैं एक बार फिर ऊपर चल के देख लेता हूँ कि वो है कहाँ। आज मैं जा रहा था अपने वो एक्सप्लोर करने, मेरी काव भी बड़ी हो गई है ऊपर। मेरे को लगता है मेरे को इस आइलैंड का नाम पिगी आइलैंड रखना पड़ेगा, यहाँ पे पिग बहुत ज्यादा स्पॉन हो रहे हैं। तो हम चलते हैं भैया, यहाँ पे कहीं ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कहीं इनका टावर आस पास? नहीं, यहाँ पे मैं आसपास तो एक्सप्लोर करा है मैंने, तो आपने जब वर्ल्ड बनाते समय तो मैं बैकअप के तौर पे एक ये रख लेता हूँ और चलते हैं। मैं को एक और भूल लगेगी, टिकट्स ले लो ना, कोई बात नहीं लाए होते हैं कोई बात नहीं। बोरा दिखा? हाँ नहीं बोल क्या और था ये जैसा भी है मेरे को बाजू में मेरे तो बहुत ज़्यादा ही दिल लगा। मैं फुल स्पीड से हिले जा रहा हूँ गाइस, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। मैंने उनको उस तरफ जाते देखा था तो मैं चलता हूँ उस तरफ। दो डॉट चाहिए बस मेरे को, दो डॉट एक ज़्यादा आ गई तो बस दो डॉट से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और मैं बाहर चलता हूँ। मैं अपनी पुरानी शॉर्ट इसलिए लेकर जा रहा हूँ, आज ही वीडियो का टाइटल में रखने वाला था एक्सप्लोरिंग अ विलेज। एक्सप्लोरिंग द आज की वीडियो लगता है पिलेजर का उससे होने वाली है। आई थिंक डिस्पॉन हो गए वो लोग तो हमारे लिए अच्छा ही है, अभी हम रेडी बिल्कुल भी नहीं थे। मैं इस पेड़ पे जाने की कोशिश करता हूँ। तभी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ाऊँ ताकि मेरे को दिख जाए अच्छे से। इनका क्रॉसबो भी होता है ना, ये इनका भी एक वुडन की सॉल होती है, एक खाली हाथ उतना मजा आ जाता है, हाथ से मारते हैं। तो मेरे को लगता है वो लोग डिस्पॉन हो गए तो हम चलते हैं अपने एक्सप्लोरेशन के लिए। पीछे पीछे हैं काम इधर अच्छी तरीके से देख लो इनका अच्छी। तो आज हम लोग इस तरफ चलेंगे और एक काम करता हूँ, मैं एसी फेक कमांड लिखूँगा विलेज की स्लैश लोकेट विलेज, तो ये विलेज ही नहीं होता तो हमें पता हमें आइडिया हो जाएगा। हमको नहीं मिला तो भैया तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि विलेज है कहाँ, तो फिर हम उस हिसाब से चल सकते हैं। तो यह है 542, तो हमें जाना है इस डायरेक्शन में, तो हम इस डायरेक्शन में जाके
जाएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा के दौर में मेरे को फॉल डैमेज मिला है क्या मिला है, हिट हुआ है पता नहीं, फॉल डैमेज मिला। तो अभी हम घर चलते हैं, सो जाते हैं। दो भाई एक पे हमारे जाल में खुद ही फंस गया। ओके हवा में कुछ है, मैं तो देख लेता हूँ कोई दिख रहा है। मेरे को लगता है वो लोग मेरी केव में गिर गए क्योंकि मैंने उनका वहाँ पे देखा था। कोई दिख रहा है, कल जाके देख लेना केव में। तो मैं अपनी डर तोड़ रहता हूँ, तो मैं अभी भी ये बंद रखूँगा क्योंकि मेरे को डर लगता है उनसे। और चल के सो जाते हैं। मैं गिरा और मेरे को फॉल डैमेज हुआ ना, मेरे को बहुत डर लगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा सामान ले लेता हूँ और फिर चलते हैं हम लोग अपने विलेज की तरफ। तो मैं क्या ले लूँगा, सबको रखो, खाना ले लूँगा क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए एक याली पिकेक्स ले लूँगा। आयरन की पिकेक्स ले ली मैंने और थोड़ा खाना पीना रख लिया और एक शील्ड ले लूँगा कहीं पे। और मैं अपनी शील्ड ले लेता हूँ और एक घर पर बना के चले आऊँगा। और एक तो जैसे मिल जाएगा आर्मा, ये भी छोड़ दो, आर्मा की कोई जरूरत नहीं है। तो आर्मा मैं पहन लेता हूँ, फॉल डैमेज की वजह से आर्मा टूटना गया। नहीं नहीं टूटेगा। तो अभी मैं ये ले लेता हूँ, इक्विप कर लेता हूँ और बस एक क्या कर रहा हूँ, खाना यहाँ रखता हूँ, अभी इसका काम नहीं है, अरेंज कर लूँगा मैं इसे। बंजरों की जगह और मेरे को एक काम ये था कि मैं एक शील्ड बना लूँ, तो मैं यहाँ पे आयरन इंगेट निकाल लिया और मेरे को वुड चाहिए जो के, तो नीचे हम क्राफ्ट कर लेंगे। हमने ले लिया इन चास्तों में, देख लो कहीं आयरन ना रखा है। तो हम एक शील्ड क्राफ्ट कर लेंगे, शील्ड एक येली शील्ड, एक शील्ड क्राफ्ट करनी है और इसे हम ऊपर रख देंगे। तो हमने ये शील्ड रख दी यहाँ पे, बाकी का आयरन गया यहाँ पे, एक आयरन का ब्लॉक है और वो गया यहाँ पे, बाकी आयरन यहाँ पे। और आई थिंक मैं एक आर्मर स्टैंड बना सकता हूँ अभी क्योंकि मेरे को चाहिए थे स्मूथ स्लैब, मेरे पास ये स्मूथ स्टोन आ गए। तो मैं एक सेकंड देख लेता हूँ आर्मर स्टैंड के लिए क्या चाहिए होता है। हाँ एक ये चाहिए होता है ना, तो मैं आर्मर स्टैंड बना सकता हूँ। तो मैं ये बना लूँगा, स्टिक और स्टिक्स हैं मेरे पास, नहीं है उसके लिए ज़्यादा स्टिक चाहिए और बाकी उसके लिए कितनी और चाहिए देख ले देना, यहाँ पे होगा। बाकी मेरे को तीन और चाहिए, तो एक काम करता हूँ, चार हाँ तीन, तो मैं स्टिक्स बना लूँगा थोड़ी सी और। तो एक आर्मर स्टैंड बन गया अपना, मैं काम करता हूँ एक और बना लेता हूँ ना, नहीं हाँ एक और बना लेता हूँ, उस पर मैं अपना नॉर्मल आर्मर रख लूँगा। तो हमने एक और आर्मर स्टैंड बना लिया, दो आर्मर स्टैंड हो गए और ये स्टिक्स गए इधर, वुड गए इधर, बाकी का ये इधर और बाकी के चार स्लैब्स इधर, बाकी के दो आर्मर स्टैंड गए। तो हम दोनों अपना आर्मर स्टैंड एक ऐसे रखेंगे, सीधा नहीं हुआ पप्लूअर या तो इसको हम पहनाएंगे अपना डायमंड का ये शो ऑफ, शो ऑफ भैया। आपकी हीरो लाइन आ गया तो वर्ल्ड में आने दो, डरते थोड़ी ना, और वैसे भी अभी डायमंड के इसको थोड़ी पहुँचे, पहुँच गए हम मगर ये जवान हो सके। तो हीरो प्राइन उमर गेम में से कब का लेफ्ट करवा दिया, तो हम इसको शील्ड इसको पकड़ा देंगे, तो शील्ड नहीं पिकैक्स पकड़ा देंगे क्योंकि अपने पास एक खतरनाक सी इंचांटेड पिकेक्स भी है। मेरा भाई बहुत झूठ बोलता है, हीरो बहन कोई लेफ्ट नहीं हुआ, इसको करा गया था लेफ्ट मगर कोई नहीं हुआ। तो हम चलते हैं और मैं मेरे पास मैप था एक, तो मैं मैप भी ले लेता हूँ। तो हम लोग मेरे को एक कंपास बना लेना चाहिए, तो मेरे पास अभी रेडस्टोन नहीं है, तो अभी हम चलते हैं। मैं एक वो भी ले लेता हूँ शॉवल, कब पता चले कब काम आ गया। बाल्टी ले लो, जब लावा मिल जाता तो कहाँ क्या करोगे, आयरन नहीं हुआ तो क्या करोगे बताओ।
खेती बाड़ी करके चलते हैं अपनी। तो आज हम लोग एक विलेज की सर्च में जाएंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, हमारे घर के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और मैंने अपने घर के कोऑर्डिनेट्स की भी तस्वीर खींच ली है। तो वो हो गई थी सीवी, देखो ये रहे हमारे घर की कोऑर्डिनेट्स की फ़ोटो। तो अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती थी गलती से, तो हम इसको इसमें डाल लेते हैं और फिर दोनों को ब्लीड करा के ही चलते हैं। वो दो दो पिगी ओवर, नाइस यार, ये अच्छा हुआ। कुछ दिनों में भैया कैरेट भी आ गए। चलो तुम दोनों में से एक मरियो, एक मरो बस। नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, वाह बस खाना दिया। अच्छा काम करते हैं, मैंने एक रियल लाइफ क्यों नहीं है, रियल लाइफ में तो अनलिमिटेड लेदर मिलता है। एक गाय से तो सारा लेदर मिलना चाहिए। तो मैं रियल माइनक्राफ्ट होता है। तो मैं अपने घर को लॉक कर रहा हूँ, ऐसे मेन गेट मैंने लॉक करा हुआ है। और क्या करना था, हाँ ये खाना मैंने पकने के लिए रखा था मेरे लिए जाने के, और उसका उसका भी पक गया। तो ये 10 ही हो गया, यहाँ रख दो। और इसका कितना पका, इसका पक रहा है। तो ये भी एक ले देते हैं खाना। और क्या था, बस ये था। और ये खाना सारा हम इधर रख देंगे, ठीक है, अगर हम मरे तो फिर खैर नहीं हमारी। अब मैं जा रहा हूँ, तो हम लोग चलते हैं पानी, हम लोग अपनी बोट ले जाएंगे। ये बोट इज़ द फास्टेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट। और हम अभी अपनी शील्ड उतार के अन इक्विप कर लेंगे यहाँ पे और चलते हैं हम लोग। मार दिया तो आपने सोचा, और मॉन्यूमेंट मगर आप चुप हो जाइए। तो हम इधर चलते हैं, हमें जाना था, मेरे पास यहाँ पे है 52 पे जाना था। हम लोग माइनस में कर रहे हैं, हमें प्लस में जाना चाहिए। तो हम लोग इधर से शायद हम लोग इस रिवर से जा सकें। ये केव की बात कर रहा था मैं, जो केव मज़ेदार वाली दिख रही है। डॉल्फिन, डॉल्फिन भी बहुत सारे, इसको भी हम पालेंगे। ये जानवर इसको तोड़ के वो कर लो ब्लॉक से। क्या आप आज जाल में आ गए थे, आपने ब्लॉक लगा बताया नहीं। ये मैं रास्ते रास्ते में ब्लॉक्स भी इकट्ठे करते रहूँगा। ये जॉम्बी वाला खा सकता हूँ। मैं एक बेड लेना भूल गया, तो एक काम करता हूँ, तो मैं कमान से अपने लिए एक बेड मंगवा लूँगा। तो ये मेरे घर पे है और मैं दोबारा घर नहीं जाना चाहता, तो मैं अपने लिए कमान से बेड मंगवा रहा हूँ आप सबके सामने। एक बेड मंगवा @sbed, बस एक बेड। तो ये आ गया हमारा बेड, और आपके सामने मेरे पास जैसे कलर का बेड था मैं वैसे ही कलर का लाया हूँ। और इधर नंबर बढ़ रहे, देख सको फ्रेंड जाके, हाँ इधर नहीं, इधर नंबर डिक्रीज हो रहे, तो हमें इस तरफ जाना है, इस तरफ नंबर बढ़ रहे। अभी हम किसी डॉग को नहीं मारेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं। ओ वो दिख गया सामने विलेज, करीब है ये बहुत ज़्यादा। उसने तो धूप दिखाया था, तो विलेज की तरफ चलते हैं। और कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत है, रंग रंग और वो मच्छी है बहुत करीब है यार। देखो यहाँ पता नहीं अजीब अजीब से शक चल रहे हैं, छोड़ दो आप लोग, बहुत इधर कुछ हो भी है। तो हम इधर से चलते हैं, हमारे पास बोट, हम बोट वाले बन रहे ये विलेज ज़्यादा दूर नहीं है अपने घर का। तरह देखो नीचे सी पिकल। तो मैं अपनी बोट ले लेता हूँ। ये राउंड राउंड आ रहे हैं, प्रेग्नेंट होना कर।
वाले को क्यों मारो? प्रेजेंट वाले को मारो मोगो से बाकी ड्रोन भी आ रहे हैं देखो ये वो वाली मछली है ड्रॉप किया ड्रॉप नहीं किया ना वो हवा में आ जाता ऊपर आ जाता फ्लो कर दो सच्ची में आता फ्लो कर दो तो हम चलते हैं अपना घर इस डायरेक्शन में ज़्यादा दूर नहीं अपना घर और इधर इधर ब्लास्ट होने लगी है इधर इधर से हम थोड़ी बहुत लूटिंग करेंगे ज़्यादा नहीं हम कुछ नहीं हमें सिर्फ कनेक्शन भी करनी है तो भाई तुम क्या दे रहे हो ये तो ज़्यादा 100 के बदले कुछ ही देखते रहते तुम क्या दे रहे हो तुम कैरेट के बदले दे रहे हो तो अभी तुमसे बाद में मिलेंगे इसके घर में हमेशा ही चेस्ट तो हम लोग एक विलेज में आ गए हमें एक विलेज मिल गया और ऊपर एक यहाँ पे चेस्ट है अपने फजूल में बेड मंगाया ना हाँ तो हम लोग ये ले लेते हैं खाना और हमें बस उससे भैया बेड भी ले लो अभी इनके सारे बेड तो हम अभी नहीं सो सकते तो दबा के देखते हैं क्या बोलते हो क्या दे रहे भाई पेपर के बदले तो और हाँ बुक कौन सी दे रहे नीचे वाली ये कौन सी बुक है पता नहीं चल रहा अभी वरना बाद में पता चलेगा अभी रात हो जाए फिर हम सोएंगे अमरा टू क्या दे रहे हैं वेपन्स पेट है तो कोल के बदले दे रहे हैं दो कुछ दे रहे हैं तो एक काम करता हूँ ऊपर वाले बेड पे जाके मैं सो जाता हूँ आज हम लोग इस विलेज के साथ सोएंगे और अभी चल के विलेज एक्सप्लोर करते हैं सुबह सुबह तो ये रहा आयरन गोलम अभी हमें मारेगा तो नहीं ना नहीं क्योंकि अभी हमने कोई लूटिंग शूटिंग नहीं करी यहाँ पे और इलेक्टर है और भाई तुम कौन हो आई थिंक नहीं कुछ नहीं दे रहा तो एक काम करता हूँ ये बुक शेल्फ तोड़ लेता हूँ बुक्स तो मिलेंगे अपने को कितनी बुक्स मिली 9 अब जाके हम घर पे बना सकते हैं कुछ और यहाँ पे चेस्ट नहीं और ये इलेक्टर छोड़ दो ये आई थिंक उसका है तो हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं तो उसकी ट्रेड रिफ्रेश हो गई होगी और ये ग्रैंड स्टोन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बाद में लेकर जाएंगे और यहाँ पे क्या है 2 डायमंड तो अब अपने लिए आम बात हो गई 3 डायमंड हो गए ये डायमंड अपने पास बहुत हैं इन लोगों को भी डायमंड की पहचान है और आर्मर तू क्या दे रहा है मेरे को ये वही है तो एक काम करते हैं फिर ग्रैंड स्टोन तोड़ के रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ा लैग हो रहा होगा सॉरी गाइस तो क्या कर सकते हैं ओह ओह गलती से हिट हुआ यार इसके ही घर में घर है कराओ जो कि बाहर जाओ भैया क्राउड हो गया शील्ड निकल के बाहर जाओ जिससे इधर भागेगा बाहर आधा हार गया दो इसके तो भैया इसको मारने के लिए तीन ब्लॉक ऊपर जाओ जैसे इस नए नए विलेज में गए मारना शुरू कर दिया यार मैं तो मेहमान बनकर आया था मेरे को मार क्यों रहे हो भैया इनको थोड़ी सी ब्रेड दे दो खुद चलती हो गई इधर ही आयरन का ना टपक गया तो भैया जल्दी से भाग के सड़े गए तुम्हारी वीडियो हो गई डन करो हाँ भैया उधर से आ रहे शवल के नमूने उधर भी आ जाते उधर अरे यार मेरा आई थिंक ये चेस्ट की वजह से मेरे हॉर्स ग्लिच हो रहे हैं मर गया
इन लोगों ने देख लिया और मैं इनका घर वापस से रिपेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो, क्योंकि एक तो मैं पहले इनके घर लूट कर रहा हूँ, गलती से मैंने हिट करा था, मेरे बच्ची बड़ी सजा दे रहा है आयरन बोलो इसने मेरे को, इसने ट्रेड बढ़ा दी, नहीं इसने नहीं बढ़ा, इसने नहीं देखा, और इधर 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 मैं चले आयरन भाग रहे, मेरे डर से भाग गया, तो मैं जाके आयरन उठा लेता हूँ और भैया उससे कुछ इससे बोली लो और इसके पास आई थिंक सैडल मिलनी थी, सैडल होनी चाहिए, सैडल आगे किधर है सैडल, तो मैं आपसे मिलता हूँ, वो चेस्ट वाला टेक्सचर बन करके। तो गाइस ने वो टेक्सचर पैक बन कर दिया और तो ये देखें उसकी वजह से ही हो रहा था, और अभी हम यहाँ से चलते हैं, आएंगे इन हॉर्स को लेने, और अभी मैं एपिसोड अपना अपलोड कर दूँ तो फिर मैं आपको मिलता हूँ। आज फिल्मोरा 9 वाला वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने कर लिए, आप समझ सकते हैं, और टाइम पास नाम होगा अपने उसका, और अपना चैनल का नाम द सी चैनल है, तो ये कर लिया, डिस्क्रिप्शन में बस आई लिख दूंगा मैं, क्योंकि इतना कुछ है नहीं और थंबनेल कुछ नहीं होगा, बाकी जो सेटिंग्स होती हैं वही रहेंगी, और ये अभी अपने वीडियो अपलोड हो गई, तो अभी हम चलते हैं इस घर में। अभी हमारा चैनल का वो अपलोड हो रहा है, और इतने गरीब हैं, मेरे पास है बेल, मैं ले लेता हूँ ना ये, ये मैं किसी से भी तेज नहीं आती, उससे ज़्यादा तेज आती है, मेरे पास एक स्टैंड आ गई तो मैं इस स्टैंड को फेंक देता हूँ, आई मीन जंप मार के उसको लगा देता हूँ, और जो फूल हैं इन फूलों को भी यहाँ लगा देता हूँ ना, हमारे पास सिलकटा चाली भी जाग सोती है ना, हम उधर के तो ये लेते हैं, ब्लॉक ले लेते हैं, क्या बात है, दौड़ू और सामने आयरन गरम खड़े, बारिश शुरू हो गई तो सारे विलेजर शार्ट हो रहे, तो एक काम करता हूँ इस घर में चलता हूँ मैं, घर तो बड़ा है भाई, चेस रख लिया करो, बड़ा घर है चेस नहीं रखते, उसके ऊपर खाली है ऊपर, पता है मैं टूटा है, हमने इसकी दूसरी गेम में इसका पूरा घर ठीक करके अपना घर बनाया, तो वेलकम, तो घर के अंदर चलते हैं और सो जाते हैं, शायद ये सोने दे, मेरे को भी ऐसे ही वैसे ड्राउन की आवाज़ आ रही है, तो बारिश मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं वेदर क्लियर कर रहा हूँ, तो बस मैंने अभी कमांड के उससे करी है, आगे ब्लॉक मत लगा देना, क्यों नहीं हुआ, लाइफ वेदर क्लियर, कल के फटाफट आलू गायब करते हैं, घर जाके अपना आलू लगाऊंगी, भैया देख के कॉल में सारी भी है, भैया फाइजन में सारे इनके पास जब एक बार लग जाते हैं तो निकालता रहते हैं, जब जब ये वापस क्यों नहीं रखते पैसे मेरे, लग जाते हैं वापस आर्मी पे निकल गया, पॉइजनस आलू तो हम इस पॉइजनस पोटैटो को कंपोस्ट में डाल सकते हैं, खा लो ना, मरना नहीं है मेरे को, तो मैं काम करता हूँ, पॉइजनस पोटैटो को यहाँ फेंक देता हूँ, आप उधर बोल के निकल रहे, तो मेरे को लग रहा था फिश जो है वो गले चाहिए,
कंपोस्ट करके अंदर तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं विलेज इधर ही है। विलेज जनरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी जाके आपको कुछ सामान मिलेगा। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर बहुत कम विलेज में होते हैं। तो ये आर्मर ये रहा, ये स्टोन कटर वाला घर कौन सा है? कलेक्टर थोड़ा था तो मेरे से डर क्यों रहा है भाई? मैं इतने शायद सामान, इसने आयरन गोलम सामान करा होगा। मेरे को एक विलेजर चाहिए जो बीट के बदले एमराल्ड दे, ये रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अपने पास रखता हूँ और पहले मैं इसकी सारी बीट को एमराल्ड का मिल गया तो इससे अभी हम हेबल निकाल दो, आई मीन भर भर के एमराल्ड निकालेंगे। कितनी तो इसकी ट्रेड बंद हो गई या अपग्रेड हुआ नहीं? तो अब मेरे को दूसरा बंद, अब मेरे को दूसरा शिकार ढूंढना पड़ेगा। शिकार हो ना, तो मेरे को क्या देगा वीट के बदले? कैरेट दे रहा है मेरे को। मेरे को ऐसा बनना चाहिए तो मेरे वीट दे। मेरे को आवाज़ आई है कोई मर रहा है। बीट रूट बेकार। आलू के बदले कोई दे रहा है तो मज़ा आ रहा है। आलू भी हो बोले सर, ये अपना यहाँ पे भी बहुत सारा है और वहाँ पे भी मेरे को एक बंदा दिख रहा है तो मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ। सालों की ज़िंदगी के लिए खाना है इनके पास, कोई बात नहीं। फार्मर का काम ही यही है हमारे लिए खाना बनाना। तो हम यहाँ से अपने लिए लोग भी लेकर जाएंगे और आयरन फार्म भी बनाएंगे अनलिमिटेड, क्योंकि आई थिंक मेरे को अपना घर यहाँ पर शिफ्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इतना ख़ास कुछ है नहीं। यहाँ का एनिमल हम नहीं ले लेंगे तो यहाँ पे था नहीं फार्मर काम का हो रहा। तो ये एक लेदर आर भी होता है, नहीं ये क्या कुछ नहीं है। इधर आओ, वो कैसल वाला कौन सा दे रहे कैसल वाला? आलू के बदले देगा ना मेरे को ये। अरे उधर से ब्रेन ले लो। ब्रेन आप ब्रेन क्यों नहीं ले रहे हो? बोरिंग स्टैंड, उनके पास बोरिंग स्टैंड भी होते हैं भाई। ये ले बीज, ले ले मेरे से बीज। उगा दो ना, क्या क्या करें भाई, मेरे से बीज ले ले। ले लिया इसने यार। ये मेरा क्यों नहीं आ रहा है इसमें? क्या मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्या करूँ, क्या नाम नहीं आ रहा? रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ वॉइस की अभी अब भूख लग रही है। तो अब यहाँ से और आलू ले, नहीं ये तो बीट की फसल करता है ना, तो शायद बीट के बदले ले। तो भाई बीट के बदले ले लेना यार, बीट के बदले। आलू नहीं है मेरे पास, मालूम है मैं तेरे को तूने आलू के बदले लिया। कैश भी नहीं मिली मेरे को कोई यहाँ पर बेड में। इधर सो जाए। पहले जब हम वाले गेम में खेलो गाइस, हम लोगों ने विलेज ढूंढ लिया आज और आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे और थोड़ा खाना खा लेते हैं और मेरे हेडफोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो बाय बाय।